बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वाला अलिका वासहाबिका रहमतल लिल आलमीन। दोस्तान मोहतरम, ये एक हकीकत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मौतुल आलिम मौतुल आलम। बाज़ अब आप कहते हैं कि ये किसी हकीम का कौल है, बहरहाल जो भी है कि ये हकीकत है कि आलिम की जो मौत है वो एक आलम पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला होती है। और इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से जनाब अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने दीन के सरबलंदी के लिए, आकल सलातुसलाम की अज़मत के लिए, नामों से रिसालत के लिए बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी, और बहुत कम अरसे में उन्होंने अवाम को, मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया, तो ये बहुत बड़ा उन पर अल्लाह का फजल था, अल्लाह का उन पर एहसान था कि उन्होंने दीन की सरबलंदी के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए और हकूमत को शरीयत मुस्तफ़ा के ताबे करने के लिए बहुत बड़ा कोशिश की उन्होंने, और ये कोशिश उनकी ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और वैसे भी कि जिसने आकल सलाम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी हो, आकल सलाम की मोहब्बत की तबलीग के लिए, तरवीज के लिए और इसके फैलाव के लिए काम किया हो, वो जाहिर बात है वो दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदा रहता है। और इसी तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो दुनिया से अब जा चुके हैं, लेकिन अब वो ग़ुलामान मुस्तफ़ा के दिल में वो अब ता कयामत वो ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमाए। चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक आज सिलसिले से है, आस्थान आलिया चिश्तिया साबरिया मस्तानिया दरिया ख़ान के तमाम साथी, तमाम मुतालिकीन, तमाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।